सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर इसे वरदान भी दिया। तो दोस्तों, आखिर कर्ण की मृत्यु के समय आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं, आज उसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरते हुए कर्ण ने क्या कहा कि श्री कृष्ण भी अपना रोना न रोक सके? आइए जानते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था, जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी उसकी बात होती है तो ज्यादातर लोग पांडव व कौरवों में से अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन की बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के बारे में बात करते हैं। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा आर्षी का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूं कि सूर्यदेव आ जाएं। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आखिर मरते हुए कर्ण को देखकर उसकी पत्नी ने क्या किया, आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार, उसकी पत्नी का क्या हुआ, तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियां से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रूशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रूशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रूशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आधीरथ के कहने पर कर्ण ने रूशाली से विवाह किया था। रूशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रूशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रूशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्म मां स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रूशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रूशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। रूशाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद रूशाली की जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रूशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब रूशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंची। और उसके बाद जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई तब उस समय रूशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं रूशाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था।
जी हाँ, ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे। कहते हैं रूशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कर्ण के यह 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे, और यह सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते उठते थे अपने पिता कर्ण के समान। यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वह युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 17 दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए, उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कहते हैं वृक्ष केतु कर्ण और रूशाली का इकलौता जीवित पुत्र था। वर्ष केतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था, तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृक्ष केतु अकेला हो गया था, उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृक्ष केतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी रूशाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृक्ष केतु धर्म और धर्म का ध्यान रखता था, साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसीलिए उन्होंने वृक्षकेतु को अपने पास बुलाया। वृक्षकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया, और कर्ण पुत्र वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया, तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वर्षकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्र थी, तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेवा को भी हराया था। वृषकेतु ने कहते हैं कि अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन के साथ रहते हैं। जब युधिष्ठिर ने आश्रम में का यज्ञ किया, तब उस समय भारत विजय पर स्वयं अर्जुन के साथ वृषकेतु भी निकले थे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को छीना। तो आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कर्ण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, यह भी हमें अवश्य बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।